प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बेचारी शिव गुरु के शिष्या बहना रहती थी। बेचारी बड़े गरीब और बड़े निर्धन थी। उनके घर में ना तो खाने का ठिकाना था और ना रहने का और ना पहनने का। उनके जो पति थे, पति बिल्कुल बहुत लाचार थे। उनके छोटे छोटे दो बच्चे थे। बेचारी शिष्या बहना अकेले मेहनत मजदूरी करती थी और मेहनत मजदूरी करके अपने पति का भी इलाज और बच्चे का प्रतिपाल किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहना, और शिष्या बहना का बड़ा बेटा हो गया 8 साल का और छोटा 5 साल का। उसके पति का स्वर्ग का प्राप्ति हो गया। जब स्वर्ग का प्राप्ति हो गया तो शिष्या बहना बड़ी दुखी हो गई, बड़ी बेसहारा हो गई। अब उसे दिन और रात बराबर दिखता था। रात का नींद और दिन का चैन छिन गया। उसे लगता था कि मेरा संसार अब उजड़ गया। मेरा छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मेरे पति बीमार भी रहते थे तो मेरे साथ थे। आज मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ, मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है। गुरु भाई बहना, लोग उसे कहने लगे कि देखिए बहन जी, जो होना था हो गया। अब कितना दिन आप गम में रहिएगा? यदि गम में ही रहिएगा तो आपके बच्चे भी भूखे रहकर मर जाएंगे। इसलिए आप चलिए गांव में किसी के यहाँ चूल्हा चौका कीजिए और वैसा ही करके अपना प्रतिपाल कीजिए। गांव वाला उसका बच्चे को रोटी दे दिया करते थे, फटे पुराने कपड़े भी दे दिया करते थे। बेचारी बेसहारा हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2 महीना 4 महीना हुआ गुरु भाई बहना, तो बेचारी निसहाय वो क्या करती है, गांव में जाकर मुखिया जी के घर में कहती है कि मुखिया जी, आप तो बड़े लोग हैं, आप यदि चाहे तो मुझे काम दे सकते हैं। मुखिया जी बोले कि देखिए, मेरा घर में तो ऐसे नौकर का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक गाय है। गाय का सानी पानी कर दीजिएगा, गोबर हटा दीजिएगा, उसका गोइठा बना दीजिएगा। आपको हम 2000 रुपये का महीना दे देंगे। आप बेचारी शिष्या बहना मुखिया जी के घर जाने लगी और उनके घर गोबर घर सानी पानी करने लगी। जब महीना पूरा होता था तो तनख्वाह मुखिया जी दे देते थे, उसी से बेचारी शिष्या बहना प्रतिपाल करने लगी। धीरे 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 समय बीता। बेचारी दोनों बेटा के पढ़ाई लिखाई जितना बन पड़ा उतना। दोनों बेटा बड़ा हो गया तो दोनों बेटा से शिष्या बहना कहती है कि देखो बेटा, हम अकेले थे तो तुम्हारा पेट का प्रतिपाल किए, लेकिन अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कुछ कमाओ और कमा कर घर बना लो। घर में तो कच्चे मिट्टी का मकान था, वो गिर गया था। बड़ी मुश्किल से एक झोपड़ी देकर रह रहे थे। बेटा दोनों प्रदेश जाकर कमा कर कुछ पैसे लाकर और 2 कमरे बनाकर उसमें
रहने लगा। गांव वाले कहने लगे कि देखिए आपका बेटा बड़ा हो गया है, आप अपना बेटा क्या ब्याह कर दीजिए। शिष्या बहना अपने बेटा का ब्याह करने के लिए तैयार हो गई और समय बीतने के बाद अपने बेटा का ब्याह कर दिए। जब बहू आई, बहू आने के बाद बेचारी मंदिर तो प्रतिदिन जाती थी, बहू के आने के भी बाद मंदिर जाते रह गई। तो बहू कहती है कि अरे ये कैसा है, इतना बदमाश बहू आई, इतना बदमाश कि बेचारी शिष्या बहना के दम घुटता था उसका बात सुनकर। अपने पति से कहती है कि ए जी, आपका पिताजी जो हैं बहुत पहले गुजर चुके हैं, आपके माँ पूजा पाठ नहीं करने जाती है, आपकी माँ जो है किसी से नाजायज संबंध बना के रखती है, आपका माँ का चाल चलन हमको पसंद नहीं है। बेटा बोला ज्यादा मत बोलो, मेरे माँ के बारे में अनाप शनाप मत बको, मेरा माँ ऐसे वैसे नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया और छोटा बेटा के भी बूढ़ी माँ बेचारी शिष्या बहना ब्याह कर दी। छोटी बहू भी आ गई, फिर भी मंदिर जाते रह गई। अब छोटी बहू के आने के बाद बेटा बोला कि माँ मुखिया जी के घर तुम सानी पानी गोबर गोइठा छोड़ दो, अब तो तुम्हारा घर में दो बहू है, दो बेटा भी हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे माँ तो कुछ पैसा घर में आ जाएगा, हम लोग अच्छे से खा पी जी लेंगे। तूने बहुत कष्ट किया है माँ, ऐसा है कि तुम अपना घर में आराम करो, चर्चा भजन करो, भगवान के भक्ति भाव में लगे रहना और बच्चे को खिलाना। धीरे धीरे बड़े वाले को दो बच्चा हो गया और एक छोटे वाले की भी हो गया। समय बीतता जा रहा था लेकिन पूजा पाठ शिष्या बहना नहीं छोड़ी थी। एक दिन देवरानी और जेठानी दोनों मिल गई और कहती है कि अरे सुनो ए छोटकी, मेरा बात सुनो। तो छोटकी कहती है कि क्या बात है दीदी। तारे बुढ़िया हम लोग के कोई मदद नहीं करती है, तो ऐसा बूढ़ी रहने से क्या फायदा, बुढ़िया को घर से निकलवा दो, कुछ उपाय लगाओ। तो छोटकी कहती है गुरु भाई बहना कि दीदी आप तो बहुत पहले से हैं, हम तो 2 वर्ष से हैं, 3 वर्ष से, और आपको तो आए हुए 8 साल हो गया, तो आप इसे नहीं निकलवाए, हम कैसे निकलवावे। बड़ी वाली कहती है गुरु भाई बहना कि अरे हम बहुत कोशिश किए लेकिन हम हार गए हैं, अब बुढ़िया के किसी तरह से ना किसी तरह से घर से निकलवा दो। तो दोनों कथमत अपने अपने पति को करने लगी कि ए जी माँ का चाल चलन ठीक नहीं है, माँ कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कोई पता नहीं रहता है, आप माँ को काहे नहीं ख्याल करते हैं, काहे नहीं देखते हैं। लेकिन गुरु भाई बहना दोनों बेटा अनसुना करते रह गया। एक दिन का बात है कि बड़ी बहू बोली कि अरे सुनो बेटा तो बुढ़िया के नहीं निकालेगा, लेकिन बेटा के हम बुढ़िया के हम लोग जीवन से निकाल दो, इसको मार दो। कैसे दीदी कैसे मार दें, देखो बुढ़िया जो है रोज जाती है भगवान के भोग लगाने, तो लड्डू ले जाती है, तो लड्डू जब चढ़ाएगी और प्रसादी खाएगी देगी तो हम लोग के देगी तो हम नहीं लेंगे, और वही लड्डू खाएगी बुढ़िया तो बुढ़िया मर जाएगी।
गुरु भाई बना दोनों बहू मिलकर और बुढ़िया के लड्डू में जहर मिला दी, बुढ़िया के लड्डू में जहर मिला दी और दे दी। बेचारी शिष्या बहना मंदिर गई, मंदिर में पूजा की और पूजा करने के बाद गुरु भाई बहना घर आई तो बहू के कहती है कि बहू प्रसादी लो। तो बड़ी बहू कहती है कि माँ जी आज का प्रसादी आप ही खा जाइए, आज हम नहीं खाएंगे। छोटी बहू कहती है माँ जी हम नहीं खाएंगे। तो बुढ़िया लड्डू फोड़ती है गुरु भाई बहना तो लड्डू टूट ही नहीं रहा है। बुढ़िया देखती है कि अरे लड्डू का है नहीं टूट रहा है। सांझ के बेटा कमा के आया तो बेटा के बोला कि बेटा देखो ना आज दुकानदार कैसा लड्डू दिया है, बेटा पूजा करके आए हैं। बहू के बोले प्रसादी लो, बहू नहीं ली बेटा, लड्डू जो है लड्डू टूट ही नहीं रहा है। जब लड्डू के पत्थर लेकर और दोनों बेटा तोड़ने लगा तो दोनों लड्डू चिपक गया, यानी हीरा के हो गया, दोनों लड्डू हीरा बन गया। बेटा कहता है कि माँ जितना चूरते हैं इतना ही चमकता है, माँ ये क्या है। लोग से बुढ़िया दिखाई, लोग कहते हैं कि अरे तो पत्थर है। बेटा बाजार लेकर दिखाया, ले जाकर तो बाजार में जौहरी बताए कि यह हीरा है। गुरु भाई बहना बेटा जो था उसको बेचकर और माला माल बन गया, पैसे वाला बन गया। वो बिजनेस बढ़ाने को लिए सोच लिया। दोनों बहू सोचती है कि अरे एक दिन बुढ़िया के जहर दिए लड्डू में फेंट के तो हीरा के बन गया, कुछ ऐसा करेंगे कुछ ऐसा करेंगे कि बुढ़िया मर जाएगी। तो सफेरा के पास जाके और सफेरा को बोली कि देखो सफेरा भाई, जो तुम्हारे पास सबसे जहरीला सर्प है, सबसे जहरीला सर्प है, वही सर्प हमको दे दो और वही सर्प बुढ़िया के काटेगा तो बुढ़िया मर जाएगी। सर्प वाला सफेरा बोला कि ठीक है बहन जी, एक पेटार में दे देते हैं। लेकिन सर्प वाला सपेरा तो कोई और नहीं तो स्वयं महादेव थे, पेटार दे दिए। और जब पेटार दे दिए तो कहते हैं सफेरा भाई कि देखो बहन जी, सांप सर्प का पेटार तो हम दे रहे हैं लेकिन सर्प का पेटार में दो जोड़ी, एक जोड़ी है इसमें नाग नागिन, एक नाग एक नागिन है, अकेले जाएगा तो खतरा हो सकता है। दोनों बहू मिलकर सर्प को पेटारी को ले आई और कोठी के कंधा पर रख दी। बुढ़िया जब सोने गई गुरु भाई बहना तो बुढ़िया के कच्छ में सर्प के पेटारी को फेंक दी बहू, सर्प को पेटारी को फेंक दी और दोनों सर्प जो था पेटारी से निकल गया और एक बड़ी वाली के कमरा में आ एक छोटी वाली के कमरा में। बड़ी वाली को भी पूरा शरीर जकड़ लिया और छोटी वाली को भी शरीर जकड़ लिया सर्प। दोनों के पति कहने लगे कि अरे अरे बचाओ बचाओ, मेरा कमरा में सर्प घुस गया है, मेरा कमरा में सर्प घुस गया है। बूढ़ी माँ जो थी गहरी नींद सो गई थी, बूढ़ी माँ तो सुन ही नहीं रही है, उसका दरवाजा बंद है, बाहर से बहू कुंडी लगा दी थी, अंदर से भी बेचारी बूढ़ी माँ बंद कर ली थी। अब बेटा चिल्ला रहा है अपना अपना कमरा से, चिल्लाते चिल्लाते बेटा भी बिस्तर पे था, नीचे उतरा, माँ के दरवाजा खुलाता है तो माँ के बाहर से दरवाजा बंद था। माँ के दरवाजा बेटा खोला, अंदर में माँ सोई हुई थी, बेचारी का नींद खुला। क्या है बेटा ये क्या है,
बेटा देख, बुढ़िया निकली बेटा की आवाज सुनकर बड़े वाले के कमरा में गई तो बड़ी वाली के पूरा तन में तो सर्प जकड़ के रखी थी, और छोटे वाले के कमरा में भी गई तो छोटे वाली बहू का भी सर्प पूरा पांव से हाथ तक जकड़ के और सर्प सीने पर सवार था। गुरु भाई बहना भगवान से विनती करती है बूढ़ी माता कि हे भगवान, हे महादेव, आखिर मुझसे कोई भूल चूक हो गया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे बहू का प्राणों का रक्षा कर दीजिए। हम मानते हैं भगवान कि मेरा बहू आपको नहीं मानती है, लेकिन ऐसा तो नहीं, नहीं मानने के कारण कि आप इसके सर पे सवार हैं एक नाग बन के। हे भगवान, मेरा बहू का छोड़ दीजिए, लेकिन सर्प नहीं छूटा। तो बहू कहती है कि बूढ़िया के मारे लागी दलिया दूधा में जहर वारे जान, जान दूधवा में जहर वारे जान, कि जान तैयो नाही बुढ़िया ए हूँ मर लई रे जान, कि जान तैयो रे नाही बुढ़िया ए हूँ मर लई रे जान, कि जान कैसे बुढ़िया हो गे लई अमरवा रे जान। बूढ़िया के मारे खातिर दलिए लडुआ में जहरवा रे जान, जान लडुआ में जहरवा रे जान, कि जान तैयो रे नाही बुढ़िया ए हूँ मर लई रे जान, कि जान लडुआ जे भैले हीरा रतन मारे जान, कि जान लडुआ जे भैले हीरा रतन मारे जान। बूढ़िया के मारे खातिर लैली नगवा नगिनिया रे जान, जान लैली नगवा नगिनिया रे जान, कि जान ओ होरे नगवा बने प्राण के घतकवा रे जान, कि जान ओ होरे नगवा घेरे हमारो बदन मारे जान। गुरु भाई बहना जब उसका पति सुने ही बात को तो ठठा के हंसने लगे और कहते हैं कि अरे इतना बड़ा हथियारी तू थी, मेरा ही माँ के मरने के लिए तू दूध में जहर दे दी और वो माँ मेरा पी ली, लेकिन मेरा माँ को कुछ नहीं हुआ। मेरा ही माँ के मरने के लिए लड्डू में जहर दे दी और लड्डू मेरा हीरा रतन हो गया। देखो उसके प्रभाव से हम क्या कर लिए, देखो हम बिजनेसमैन बन गए हैं। माँ का मेरा इतना कृपा था, मेरा माँ जो है पापी नहीं है। तू मेरा कानों में रोज फुसफुसाती थी कि आपका माँ ऐसे है वैसे है, लेकिन कभी तुम्हारे बात में हम नहीं आए। आज तूने माँ के मरने के लिए एक नाग नागिन लाई थी। लो ठीक है, हे नाग बाबा, इसको तन पर से नहीं उतरिएगा, बिल्कुल इसको इसी तरह जकड़ ले रही है। दोनों जो बेटा था गुरु भाई बना गांव में गया, सवेरा हुआ तो गांव का लोग को बताया कि देखिए जो हमारी पत्नी थी, मेरा ही माँ के मरने के लिए एक नाग और एक नागिन लाई थी। देखिए मेरा माँ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दोनों बहू को उसको क्या हाल हो गया है। पूरा गांव जब गए तो पूरा गांव थूकने लगे कि अरे बेचारी दुखियारी इतना थी, इतना थी, इसके पति जब बच्चा में छोटे छोटे था अब मर गए थे, तब इसका बच्चा का रोटी देकर हम लोग पालन किए, अपने बच्चे का उदाहरण अधेरा कपड़ा दे कि इसका बच्चे का तन को ढके,
मुखिया जी इसको काम दिए, कितना मुश्किल से जीवन पालन की। जिस दिन बीमार पड़ जाती थी, तीस को बदले हम ले जाके मुखिया जी की यहाँ गोबर घर कर लाते थे कि बेचारी के दो को बाल बच्चा है, पेमेंट कट जाएगा। हे भगवान, और तू इस बुढ़ी को मरने के लिए ऐसा कर दी, क्या कारण था? बड़की पुतोहिया कहती है कि कारण कुछ नहीं था गुरु भाई बहना, माता जी चाची जी कोई कारण नहीं था, बुढ़िया पूजा पाठ करती थी, हमको जलन होता था, हम खाना बनाते थे तो हमको बच्चा लेके बुढ़िया चुपचाप बैठी रहती थी तो हमको जलन होता था, बेटा भी आते थे और पहले माता महतारिये के खोजते थे, हमको पास बेटा पहले इनका नहीं जाते थे, महतारिये के खोजते थे कि मेरा माँ कहाँ गई, तो हम सोचते थे कि जब बुढ़िया मर जाएगी तब इनका बेटा मेरे पति मेरे पास आएंगे, अपने माँ के पास नहीं जाएंगे। इसीलिए गुरु भाई बहना हम ये सब चाल चले थे। बुढ़िया जाके महादेव के मंदिर में विनती करके एक दीपक जला के और कहती है कि हे महादेव, अपना नाग अपना वापस ले आइए, अपना गला का शोभा अपना में बढ़ाइए, मेरा बहू का जीवन बकस दीजिए। दोनों नाग नागिन जो था गुरु भाई बहना, दोनों बहू के शरीर को छुटकारा कर दिया, वापस चला गया। दोनों बहू अपने सास के पांव पर गिर के कहती है कि माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माँ जी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, माँ जी हम भी चाहते हैं कि शिव गुरु का ज्ञान ले और शिव चर्चा में जुड़ जाए और कभी किसी के साथ हम गलत नहीं करें। बुढ़िया जो थी जब चर्चा में जाने लगी तो दोनों बहू को अपने साथ लेकर मंदिर में गई और मंदिर में जाकर दोनों बहू को नाम घोषणा करवा दी और दोनों बहू शिव चर्चा में जुड़ गई। दोनों बहू अपने सास को भी सेवा करने लगी, समय समय से भोजन देने लगी, अपने पति को भी आदर मान सम्मान देने लगी, गांव वालों से भी अच्छा से बातचीत करने लगी, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं की। तो गुरु भाई बहना यदि भगवान चाहते हैं तो सब कुछ होता है। बहू कितना नालायक थी लेकिन भगवान चाहे तो लायक बन गई, भगवान सब कुछ करवा देते हैं। भगवान कितना ही बुरा रहता है उसको इतना अच्छा बना देते हैं कि लोग उसे महान कहते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सकें, देख सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।